डरने की बात नहीं, जितना दौड़ोगे कोई मतलब नहीं, तुमने जो गलत करानी है तो दौड़ने से मतलब नहीं। कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ, घबराने की तुमको कोई हाथ भी नहीं लगाया, कोई चपलप्पड़ भी मारे तो हम नहीं। ये सरपंच हमको मालूम है, करने वाले वो अनिल और वो है, नहीं उनके सर्टिफिकेट सब। ये तस्वीरें इंदौर कांड के आरोपियों की हैं। वीडियो उस वक्त का है जब ये तीनों बदमाश सरेंडर कर रहे थे, वो भी गांव के सरपंच के कहने पर। इस दौरान वहां मौजूद पुलिस वाले मुस्कुरा रहे हैं और साथ ही साथ सरपंच जी आरोपियों को सुरक्षा का भरोसा भी दे रहे हैं। मैंने सबसे पहले इन्हीं को फोन लगाया तो दुकान थी और हम जैसे ही मेरे पास फोन आया, मैं ससुराल होता क्या है, पीछे पीछे चलती लोकेशन भी रात को आ गई। हमने बोला की होगा तो आदमी अपना वक्त जब लगे है तो फिर मैंने इसका माता पर चुकर मत किसी आ गए। डरने की बात नहीं, जितना दौड़ोगे कोई मतलब नहीं, तुमने जो गलत करानी है तो दौड़ने से मतलब नहीं। कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ, तो घबराने की तुमको कोई हाथ भी नहीं लगाया, बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बैठ जाओ। कोई चपलप्पड़ भी मारे तो हम नहीं। ये सरपंच हमको मालूम है, करने वाले वो अनिल और वो है, नहीं उनके उनके सर्टिफिकेट सब। हालांकि इंदौर रेंज के डीआईजी साहब का कहना है कि पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि वीडियो में साफ दिख रहा है कि तीनों को गांव के सरपंच पुलिस के सामने सरेंडर करा रहा है। आपके बड़गोंदा थाना क्षेत्र में जो घटना हुई थी उसमें कल तक तीन आरोपी गिरफ्तार हुए थे, तीन उसमें आरोपी बाकी थे, उनको आज गिरफ्तार कर लिया गया है। इस प्रकार जो है पूरे आरोपी इस प्रकरण के गिरफ्तार हो चुके हैं। सर इनका क्या रोल था, जो पकड़ाए, कहां से पकड़ाए, क्या रोल था इनका? ये वहीं पास के जंगलों में छुपे हुए थे, तो इनको काफी सघन सर्चिंग के बाद जो है काफी सारी पुलिस की टीमें दबिश दे रही थी, उसके उपरांत इनको पकड़ा है और इनका घटना में पूरा रोल रहा है और ये वहाँ पे मौजूद थे जब ये लूट की वारदात और आगे के घटनाक्रम को अंजाम दिया जा रहा था। सर क्या मुख्य रोल था इनका भी इस घटना में? मुख्य रूप से तो इस घटना के जो मास्टरमाइंड है वो अनिल और रितेश नाम के व्यक्ति हैं, उसके अलावा जितने भी चार अन्य लोग जो हैं उनके सहयोगी थे। आपको बता दें, इंदौर के पर्यटन स्थल जाम गेट पर ट्रेनी आर्मी अफसर की महिला मित्र के साथ मंगलवार की रात को दरिंदगी हुई थी। इस दौरान बदमाशों ने मारपीट भी की थी। घटना के बाद से सभी आरोपी भाग गए थे। हालांकि जब मामले ने तूल पकड़ा तो पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि तीन अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी अब जाकर हुई है। इंदौर से धर्मेंद्र कुमार शर्मा की रिपोर्ट, एमपी तक।